कंपनी वालों से, तो वे बोल रहे हैं कि ट्रैक्टर को बाहर खड़ा कर लो दोनों को बराबर बराबर और खुद देख लो। कंपनी जो है डेटा भेजने को तैयार नहीं है, इसलिए ट्रैक्टर को यहाँ पे लेकर आना पड़ा। तो ये काम दोस्तों ना डीलर का है और ना है किसान का। और आपको बताते हैं कितना प्राइस डिफरेंस है दोनों ट्रैक्टरों में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों ये है स्वराज 855 हाई लो मीडियम। पहले इस ट्रैक्टर का करते हैं वेट, लगाइए उतर जाए एक बार, उतर जा। ये दोस्तों कंपनी जो है डेटा भेज नहीं रही, बहुत कोशिश कर ली, कंपनी तैयार नहीं है ट्रैक्टर का डेटा जो है बताने को। और दोस्तों हाई लो मीडियम जो है ना, ये पीछे है ट्रैक्टर, पहले इसका करते हैं। ये 8+2 मॉडल है, ये देखिए 21 क्विंटल 60 किलो वजन हुआ ट्रैक्टर में, हटाइए माउंटी हटा ले। तो दोस्तों इसके अंदर हुआ है 21-60, आपको दिखा दूं, ये देखिए ये सादा है दोस्तों 855 FE, और ये है आपका हाई लो मीडियम। इसके अंदर दोस्तों एक बार उतर जाओ, वजन ज्यादा होगा क्योंकि ट्रैक्टर की जो लंबाई है ना वो ज्यादा है। ये देखिए अब जा, वो है आपका सादा 22 क्विंटल 20 किलो वजन हुआ। बाईस बीस ठीक है, चलो ले लो ले लो। तो दोस्तों 22-20 हुआ इसमें। तो दोस्तों ये जो है आपका हाई लो मीडियम है, 22 क्विंटल 20 किलो वजन है इसके अंदर। कंपनी जो है डेटा भेजने को तैयार नहीं है, इसलिए ट्रैक्टर को यहाँ पे लेकर आना पड़ा ताकि आपको बताया जा सके। और दोस्तों लग रहा है ट्रैक्टर की लंबाई भी थोड़ी ज़्यादा है, एक बार लंबाई भी आपको दिखाएंगे कितना फ़र्क है। बाकी जो चीज़ पता चली है उसके बारे में आपको बताएंगे। और इसमें हुआ दोस्तों जो सादा है 8+2 वाला 5-स्टार मॉडल है 855 का, 21 क्विंटल 60 किलो वजन, और इसमें हो गया आपका 22-20, मतलब के 60 किलो वजन आपको इसके अंदर ज़्यादा मिलागा। दोस्तों बहुत ट्राई कर ली काफ़ी लंबे टाइम से चले, लेकिन कंपनी ने जो है ना डेटा नहीं भेजा दोनों ट्रैक्टरों का। दोस्तों आपको प्राइस भी बताएंगे क्या क्या प्राइस है और कितना अंतर है हाई लो मीडियम वाला अगर आप लेते हो। ले आ घुमा के, बराबर में लगा ले दो आज। तो दोस्तों बस बस वहीं रोक लो। तो दोस्तों एक बार लंबाई देखते हैं, मतलब लंबाई में कितना डिफरेंस है दोनों ट्रैक्टरों की। और ले मुंटी आगे को थोड़ा सा, और चल 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 और चल, और ले अभी तो भी आया नहीं, और ले आगे को, बस 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 रुक जा एक सेकंड मोंटी, जरा पीछे ले, हल्का सा जरा सा पीछे को, बस। तो दोस्तों पिछले टायर देखो बिल्कुल अब सेम आ गया, अब देखते हैं पीछे से। तो लंबाई देखिए आप भी बिल्कुल सेम ही है दोस्तों, पीछे तो भाई सेम है, आगे देख आगे फर्क होगा अगे नहीं है भाई बिल्कुल नाम चलेगा। तो दोस्तों लंबाई जो है ना बिल्कुल सेम है मेरे हिसाब से। तो मोंटी एक चीज देखिए, व्हील बेस ये देखिए ट्रैक्टर का, ये वाला इसमें फर्क है ना, इसमें फर्क है। हाँ मतलब यार व्हील बेस में अलग ही, पिछले वाला देखिए सही खड़ा गया बिल्कुल, तो सेम है बराबर है ना जी, एक बार दिखा दूं देख। पिछला तो दोस्तों बिल्कुल हमने बराबर खड़ा किया है टायर की सीध में, जो यहाँ ऐसा है ना सेंटर बिल्कुल, देखिए तो ये थोड़ा सा आगे है ट्रैक्टर, आगे नहीं सही है, बराबर सही है। हाँ। लेकिन यहाँ अंतर है भाई, है ये अलग दिख रहा,
ये ट्रैक्टर का ये कौन सा है? हाँ ये खड़ा हुआ भी लग रहा था हमारे एजेंसी में, मतलब इसका व्हील बेस ज्यादा है दोस्तों। इसमें ऐसा है कि व्हील बेस में तो पक्का डिफरेंस है, चाहे लेंथ में हो ना हो, है नहीं? लेंथ मतलब कंपनी ने शायद सेम रखी हो, लेकिन व्हील बेस ट्रैक्टर का थोड़ा सा हाई लो मीडियम का ज्यादा है। ठीक है भाई, चल तो बैठ मोंटी एक बार स्पीड टेस्ट नहीं कर लेंगे। हाँ ये तो बाद में स्पीड टेस्ट नहीं करेंगे बाद में। तो अब एजेंसी पे चलते हैं ले गए और आपको बताते हैं कितना प्राइस डिफरेंस है दोनों ट्रैक्टरों में। तो दोस्तों कुल मिलाकर बात ये है, जो भाई ट्रैक्टर से 855 से टो चैन करते हैं या फिर ड्राफ्ट के इम्प्लीमेंट पे चलाते हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदा है क्योंकि व्हील बेस इंक्रीज हो चुका है और इस ट्रैक्टर की दोस्तों अब जो है ना पुलिंग पावर वो पहले से ज़्यादा हो चुकी है, जो नॉर्मल मॉडल है स्वराज 855। और दोस्तों एक इंच के आसपास शायद बढ़ा होगा, एक इंच तो बहुत दूर की बात है, अगर 1 mm भी आपका व्हील बेस बढ़ता है ना ट्रैक्टर का तो पुलिंग पावर पर उसका दोस्तों बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। लेकिन जो भाई PTO के इम्प्लीमेंट चलाते हैं उन्हें ऐसे ही संतुष्ट रहना पड़ेगा, इंजन की पावर दोस्तों बिल्कुल सेम है। ये दोस्तों स्पीड टेस्ट कर रहे हैं, रुक जाके हाँ हाँ L1 में देख रहे हैं आइडल RPM पे। ले आगे को ले जरा सा चल चलते रहो तुम। बहुत फर्क है, अलग ही देख रहा, बहुत फर्क है। ये दोस्तों जरा सी दूर में ही तो अंतर आएगा, बहुत फर्क है भाई। बस घुमा लो, हाँ बहुत फर्क है। ये दोस्तों हाई लो मीडियम में बहुत ज्यादा अंतर है जाल में, ये तो नॉर्मल चीज है, डिफरेंस रहना ही है बिल्कुल। हाई लो मीडियम का ट्रैक्टर जो है वैसा जो स्पीड है 3 km/h है, मतलब इसकी ये जो है 8+2 वाला। अब बात करते हैं दोस्तों दोनों ट्रैक्टर के प्राइस डिफरेंस की। जो स्वराज 855 14 के टायरों में है 8+2 मॉडल डबल क्लच के साथ, अगर उस मॉडल से आप इस मॉडल पे हाई लो मीडियम पे शिफ्ट होते हो तो आपको 20,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने होंगे। 20,000 रुपये में दोस्तों आपको 60 किलो वजन मिल रहा है ट्रैक्टर का बढ़ा हुआ, और व्हील बेस बढ़ा हुआ मिल रहा है, और 3 क्विंटल की लिफ्ट कैपेसिटी जो है वो फालतू मिल रही है, और चौथा आपको 5 गियर एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, मतलब 12 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स। ये मतलब जो सामने है ना दोस्तों वो आपको बताया है, बाकी अगर कोई छोटा मोटा और चेंज हो वो अभी तक पता नहीं है, क्योंकि आपको पहले बताया कंपनी डेटा भेजने को तैयार नहीं है। डीलर ने दोस्तों बात किया कंपनी वालों से तो वे बोल रहे हैं कि ट्रैक्टर को बाहर खड़ा कर लो दोनों को बराबर बराबर और खुद देख लो क्या अंतर है, भरोसा हमारे पास नहीं है। तो ये काम दोस्तों ना डीलर का है और ना है किसान का, ये काम होता है कंपनी का। अब पता नहीं कंपनी का क्या इंटेंशन है इसके पीछे, क्यों डेटा मतलब भेज नहीं रही इसका। जो भी है डीलर ने दोस्तों कई बार कोशिश कर ली, क्या करते हैं बार बार 2-3 बार उन्होंने भेजा उधर से, उसी का भेजते हैं 8+2 का। हाई लो मीडियम का दोस्तों भेजने को तैयार नहीं है। अगर डीलर से आपको बात करनी है तो नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप इस नंबर पर कॉल करके डीलर से बात कर सकते हो।